दोस्तों बात करें यहाँ पे एक और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ गई पीएचडी एडमिशन की बहुत अपडेट। पीएचडी के एडमिशन की यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दी गई है। टीपर उस पर एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 25 दिसंबर से ही, लास्ट है 10 जनवरी तक है। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स की यहाँ पर डिक्लेरेशन लिस्ट तो जारी कर जाएगी 12 जनवरी तक, और एलिजिबल कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट जारी होगी 16 जनवरी। आपका रिटर्न एग्जाम होगा 26 जनवरी को, रिजल्ट आएगा रिटर्न एग्जाम का 24 जनवरी को ही, इंटरव्यू होगा जो क्वालिफाइड करेंगे 25, और रिजल्ट आ जाएगा 30 जनवरी को। ये दोस्तों आपको शेड्यूल यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीजी एडमिशन का। अब दोस्तों बात करिए यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसको देख पा रहे हो यहाँ पर, ये फिलहाल बात करें नैक से A++ यहाँ पर ग्रेडिंग भी यहाँ पर मिली है। उसके बाद कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे पी एच एडमिशन को लेकर आई है। चलिए वो गाइडलाइंस यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों पी एच एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं 23 से 24 के सत्र में। देख पा रहे उसके लिए पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम होगा अंडर नॉन एग्जाम्पल कैटेगरी। देख पा रहे जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप फुल फिल जो डिजायर करेंगे वो सभी, आपको नॉन रिफंडेबल फी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ₹1200 आपको चार्ज लग रहे हैं वो देना है। दस ये दोस्तों लास्ट डेट अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं अवेलेबल है curag.ac.in, ये वेबसाइट है। इस पे दोस्तों क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे ओपन हो गई है। फिर ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आनी है आपको, दोस्तों यहाँ पर लिंक दोस्तों मिल जाएगा अप्लाई करने का। आप एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर एडमिशन का दोस्तों एक सेक्शन अलग से बना दिया गया है, आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक दोस्तों यहाँ पर है, आप इसी पे क्लिक करके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे लिंक है, इसी पे क्लिक करके आप सारी डिटेल्स यहाँ पे डालिए, डिटेल्स डालिए अपना नाम डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फीस नामांकन के लिए। यहाँ पे आपको नाम डालिएगा कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर 12 डिजिट का, आपका जो भी जेंडर है वो, आपका किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी चूज करेंगे, और आप डिफेंस सब किसी कोटा से बिलोंग करते हैं डिफेंस से तो चूज करेंगे, नहीं तो नहीं। आप जम्मू कश्मीर से ई माइग्रेंट हुए हैं यस और नो, अपना फादर नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, सारी जैसे आपको कैपिटल में भरनी है, मदर नेम, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा वो तो स्मॉल लेटर में यूज़ करिएगा, मोबाइल नंबर 10 डिजिट करा लीजिएगा, कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी, नेशनलिटी जो भी आप हैं, और आप इंडिया से बिलोंग करते हैं या नहीं वो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करेंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट, फिर आगे कुछ सबसे डिटेल्स पूछे जाएंगे आपको, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। फिर आपको दोस्तों फी पेमेंट कर देनी है, फीस पकड़ आपको पे पीएचडी का एडमिशन के लिए अप्लाई कर देनी है। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ दोस्तों आपको उस पर लिंक देखने को मिल जाएगा जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये थी अपडेट, वीडियो को लाइक करें, आगे से पाने के चैनल से बने रहें।